हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइडर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेटियोर के एक और बिल्कुल नए वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसके साइड पैनल को ओपन करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि इसके साइड पैनल के नीचे क्या क्या है, आपको कितनी स्टोरेज मिल जाती है, टूल बॉक्स भी दिखाने वाले हैं। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि हमारा जो पेपर बाइक का पेपर है उसे रखने के कोई स्टोरेज एरिया ही तो नहीं है या नहीं, तो वही आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे कितना स्टोरेज आपको मिल जाता है और आप अपने ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसी बहुत ही आसान से निकाल जाएगा। और ये प्लास्टिक का है, ये मेटल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो स्क्रैच ना आए आराम से रखिएगा। और कैमरा पास लाओ और यहाँ पे देखिए बैटरी, ये है टूल बॉक्स और इसके सारे जो फ्यूज है वो उन सब का एरिया ये, तो उसके बारे में एक अलग वीडियो अलग से। बैटरी यहाँ पे है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी है और ये आपको मिलता है टूल बॉक्स। और ये इसे निकालने की जगह ऐसे, यहाँ से आप रबड़ को जरा सा खींच के ऐसे निकाल लेंगे और ये हो गया टूल बॉक्स। अब ये ऐसे कुछ निकलता है, यहाँ आगे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है और इसे आपको इतना सारा टूल्स मिल जाएगा इसमें। अब कौन कौन सा टूल्स है वो देख लीजिए आप, आपको एक दे दूंगा मैं, तो कुछ ऐसे खुलता है। अब बहुत लोगों का कहना था कि हम यहाँ आप अपना पेपर वगैरह रख सकते हैं या नहीं, तो पेपर अब आप रख सकते हैं, आपको जस्ट पेपर रखने के लिए ये स्टोरेज एरिया है। आपको अपना जो टूल बॉक्स है वो हटाना पड़ेगा यहाँ से और उसके बाद आप अपना जो पेपर है वो रख के यहाँ पे कर देंगे तो ये आपको स्टोरेज एरिया मिल जाता है। लेकिन यही बात है कि आपको ये हटाना पड़ेगा आपको अपना पेपर रखने के लिए। कुछ एग्जांपल मैं दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक पेपर है, जैसे ये मैनुअल है, इसका फर्स्ट एड किट है, अगर आपके पास मान लीजिए आरसी या कोई पेपर है तो आप ये आसानी से यहाँ पे ऐसे डाल के ये ऐसे आप इसे रबड़ लगा देंगे तो ये कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसे यहाँ पे आप अपने पेपर को रख सकते हैं। लेकिन बस आपको ये टूल बॉक्स यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ इस साइड आपको इतनी स्टोरेज मिलेगी। अब इस साइड की बात करें तो यहाँ आपको इसे आप ओपन नहीं कर सकते ऐसी आसानी से, आपको यहाँ पे स्क्रू जो है ऊपर वाला वो ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये खुलेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ भी स्टोरेज नहीं मिलता, तो आपको इतना ही स्टोरेज मिलता है। पहले थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज मिलता था क्लासिक में, लेकिन अब इतना ही स्टोरेज आपको मिलेगा। बाकी यहाँ सॉकेट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।